फिल्म सिनेमा का, फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल सिनेमा इंडस्ट्री के रिवाइवल से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप साल में 4 फिल्में या 10 फिल्में बना लें तो सिनेमा का रिवाइवल हो जाएगा। उसके लिए आपको सर्कट चाहिए, 300-400 स्क्रीन्स होंगी और साल की 50-60 फिल्में बन रही होंगी तो जाके सिनेमा का रिवाइवल होगा। ये 5वें महीने एक फिल्म आना, 6वें महीने एक फिल्म आना और उसका शोर मच जाना और उसके बाद फिर एक सुकून सा जारी रहता है, सिनेमाओं पर कोई जाने वाला नहीं। तो ऐसे नहीं होगा, जब तक सर्किट वर्किंग नहीं करे, वर्किंग में नहीं आएगा तब तक सिनेमा का रिवाइवल पॉसिबल नहीं। आर्टिस्ट सारे आर्टिस्ट इनफैक्ट होता है, डिफ़िकल्टी है, सारे ही होते हैं, बस आप फ़र्क होता है। जो लोग आप इसलिए डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए पे, आपके लिए आपके साथ सेट पे, कि वो अपना इनपुट देना चाहते हैं उस कहानी की इंटरप्रिटेशन में या कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन में, तो वो तो काबिल कबूल भी है क्योंकि उसे लगता है कि भी उसका ऑनरशिप है, इन्वॉल्व है। और कुछ आर्टिस्ट जो गार्डन की वजह से, टेंट्रम्स की वजह से तंग करते हैं, वो काबिल कबूल नहीं। तो आर्टिस्ट होता डिफ़िकल्ट ही है, आर्टिस्ट आसान नहीं होता। आर्टिस्ट जो वो कहते हैं ना मैं सेंसिटिव हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डिफ़िकल्ट। फिल्म जी हमारी बिल्कुल साल की इस रेजोल्यूशन थी कि इस साल हमने फिल्म के लिए जाना है, एक अटेम्प्ट करनी है, लेट्स सी क्या होता है। जी भोले का कैरेक्टर करते हुए तो मैं कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बिल्कुल शेकी था कि पता नहीं किस कैसे रिसीव किया जाता है या एक्सेप्टेंस क्या होती है। इवन एडिट पे भी जब मैं उसे एडिट कर रहा था तब तक भी मैं उसको लेके श्योर नहीं था। द मोमेंट वो स्क्रीन पे गया और वो रिसीव हुआ तब जाके सांस में सांस आई। उससे पहले मैं बहुत कंफ्यूज था उस कैरेक्टर को लेके कि भाई कैसे बिहेव करेगा, लोग इसको कैसे रिसीव करेंगे। हाँ इस पर नहीं कुछ कहा जा सकता किसी राइटर से कि तुमने ये क्यों लिखा, इस सब्जेक्ट को ऐसे क्यों डील किया या कैरेक्टर ऐसा क्यों बनाया या कैरेक्टर तुम्हारा ये क्यों बोल रहा है, ये नहीं किया जा सकता। तज्जिया किया जा सकता है, आप उसका काउंटर आर्गूमेंट दे सकते हैं या उसके मुकाबले में उस तरह की कोई काउंटर नैरेटिव की कोई कहानी दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उसने ये क्यों कर दिया, उसने औरत ऐसी क्यों बना दी या उसने मर्द ऐसा क्यों बना दिया, आप ये कह सकते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता तो मैं अपना ही कैरेक्टर बना लेता हूँ, कैसी औरत एक ऐसा मर्द, ये आप कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास तुम हो मैं ये उसने क्यों कर दिया, औरत को ऐसे क्यों पोर्ट्रेट कर दिया, नहीं ये तो बहुत बेसिक खिलाफ़ है आपके, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है, आपके फ्रीडम ऑफ थाट के ख़िलाफ़ है। जो जिसका दिल चाहता है जो करना चाहता है करें, लेकिन हाँ आप तज़िया कर दें, ये नहीं कह सकते कि